नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर गौतम बुद्ध नगर से आ रही है। जेवर क्षेत्र के गांव दयांतपुर में ठाकुर योगेंद्र सिंह छोकर जिला मंत्री भाजपा द्वारा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। खबर गौतम बुद्ध नगर से, जेवर क्षेत्र के गांव दयांतपुर से है, जहां पर बीते रविवार को हनुमान मंदिर के पास माननीय ठाकुर योगेंद्र सिंह छोकर जिला मंत्री भाजपा जी ने रेस ट्रैक का फीता काटकर एक भव्य दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, जिसमें दर्जनों धावकों ने भाग लिया। योगेंद्र सिंह छोकर जी ने जेवर क्षेत्र को देश का सबसे विकसित क्षेत्र बताया। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ता व गाँव के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जेवर से समीर खान की रिपोर्ट। प्रथम आज एक बार आपने फिर से प्रतियोगिता कराई है, आज क्या प्रयोजन था यहाँ पर, क्या सोच के आपने आज फिर से प्रतियोगिता कराई है, थोड़ा जानना चाहेंगे। देखो, मेरा तो युवाओं के प्रति हमेशा सहयोग रहा है कि मैं इनको कितने आगे तक अपने भाइयों के साथ लेके जाऊं, क्योंकि देश में जो हमारा जेवर क्षेत्र है वो ऐसा क्षेत्र है कि मेरे को लगता है इंडिया का नंबर वन क्षेत्र बनने जा रहा है जेवर क्षेत्र, क्योंकि माननीय सांसद जी पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी के आशीर्वाद से जिस जमीन पर अभी हम खड़े हैं, जहाँ पे ये प्रतियोगिता चल रही है, ये एयरपोर्ट की जमीन है यहाँ पर। तो युवाओं को एक बहुत बड़ा एक ग्राउंड मिल रहा है, ये ग्राउंड तो दौड़ने का है, एक बिजनेस का प्लस आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा ग्राउंड मिलने जा रहा है, जिससे मैं अपने भाइयों को बोलता हूँ, भाई आप आगे बढ़ो, ताकि हमारे जेवर क्षेत्र का और हमारे इस गाँव का, जो मेरा ये गाँव है पैतृक गाँव जहाँ मैं खड़ा हूँ दयानतपुर, मैं सभी बुजुर्गों का बहुत तहे दिल से उनको नमन करता हूं, अपने भाइयों को जितना जिन्होंने ये आयोजन किया है इस खेल का, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये इस तरह की प्रतियोगिता करवा रहे हैं छोकर साहब, तो मैं जानना चाहूंगा कि युवाओं को क्या फायदा होता है इन सब कार्यक्रमों से। आज जिस तपोभूमि पर ये रेस हो रही है, युवा शक्ति राष्ट्रीय शक्ति, युवा दौड़ेगा तो हिंदुस्तान दौड़ेगा। ये जो स्थान है वास्तव में ये विश्व पटल पर स्थापित हो चुका है। इस स्थान को स्थापित कराने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी का विशेष योगदान रहा। जिस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार थी, उत्तर प्रदेश की धरती पर समाजवादी पार्टी की सरकार और जेवर विधानसभा के अंदर विधायक बहुजन समाज पार्टी का, इतनी विषम परिस्थितियों के बाद मैं सल्यूट करता हूं ऐसे सांसद को जिसने इतनी विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए इस एयरपोर्ट को हमें समर्पित कर दिया, हमारे क्षेत्र को समर्पित कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई योगेंद्र छोकर जी को, स्वयं युवा हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छे कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, इस तरह के आयोजन हमारी विधानसभा में होते रहें। और सच बात यह है, पूर्व में भी वक्ताओं ने बताया कि अगर युवा दौड़ेगा तो देश दौड़ेगा, जिस तरह से युवा आज दौड़ रहा है, मैं डेफिनेट कह सकता हूं आने वाले समय में ये युवा रोजगार से परिपूर्ण होगा, जेवर विधानसभा के अंदर कोई बेरोजगारी नहीं रहेगी, एयरपोर्ट बनने के बाद सबको जय जयकार होगी, भारत माता की जय, वंदे मातरम।